ਕੀਆ ਅੰਬੇ ਤੇ ਬੋਣੇ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚੌਂਕੀਆਂ ਘੋੜੀਏ ਸੁਆਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਾਹਾਂ ਚੁੱਲੀਆਂ ਅੰਬੇ ਤੇ ਬੋਣੇ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚੌਂਕੀਆਂ ਘੋੜੀਏ ਸੁਆਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧ ਲੋਕ ਕੰਨ ਬਈਆ ਗੱਲ ਕੱਤ ਕਰੀ ਮੈਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾੜੇ ਗਾਂ खंड भी डोगरे ते खीर भी डोगरे खूहे दा ठंडड़ा नीर भी डोगरे आकड़ा जेकर दुश्मन ते सीना भी दिंदे चीरन डोगरे। दोस्तों कदे आओ साढ़े ग्रां दे अज दे अंक च तुंदा सभने दा स्वागत है ते सभने थमां पहले मेरा प्रवीण शर्मा दा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अज दी कड़ी दे विच किहड़े ग्रां दी संस्कृति किहड़े ग्रां दी सभ्यता ते किहड़े ग्रां दी भाषा तुहाडे कन्नां सांझा कर लईए आओ दिखणे आ ओह किहड़ा ग्रां जाने दा ना सुरगेश सोना लंको साड़ा करा सुरगेश सोना लंको साड़ा करा दोस्तों अज की कड़ी दे विच जिस ग्रां की संस्कृति सभ्यता ते भाषा तुहाडे कन्नां सांझा कर लईआं उस ग्रां च अस आए पुज्जे आं कठुआ जिले की मानपुर तहसील के अंतर्गत आने वाला एक ग्रां है फलैल। सामने एक बड़ा सोहना मंदिर है उत्थे मत्था टेकिया इत्थों का आशीर्वाद तुहाडे तक पहुँचाई फिर ग्रां की होर संस्कृति भी तुहाडे तक पहुँचाने का प्रयास करने आं। दोस्तों ये मंदिर जिहड़ा है शिव जी का मंदिर है और इस ग्रां दे विच मत्था टेके आशीर्वाद तुहाडे कन्ने सांझा कीता उन इत्थों दे जिहड़े माणू बैठे दे उंदे कन्ने गल्लबात करने आ जानने आ किन्नी आस्था है इन्हें लोकें की इस मंदिर कन्ने। भाई जी क्या नाम है तुहाडा? लाल चंद शर्मा। लाल चंद जी दूर दराज का इलाका फलैल ग्रां तुहाडा अस दिखा करने बड़ा सोहना मंदिर इत्थे बने दा और बड़े आस्तिक किस्म दे लोक लब्भा करदे ने जिन्हें कि खास करिए अपने सनातन के उपर अपने धर्म पर पूरा भरोसा है। क्या आखना चाहते हो? ये पहले इत्थें एक चकुंडी होंदी ही छोटी जी तलाब के उपर वो बजुर्ग सन संताली कोला पहले भी जिहड़े साढ़े प्रेजेंटली बजुर्ग बैठे दे न इंदा भी पहले दी है फिर ये इन्हें शिव भगवान ने इन्हें जगह सारे ग्रां ही जगा दिता उत्थों की कोई परेशानियां लगियां हुण उन्हें आख्या भी साढ़ा जिहड़ा है मंदिर बनाओ फिर ये सारे ग्रां ने सहयोग के कन्ने गए ये मार्च 15 च जिहड़ा है मंदिर है इसी मंदिर जिहड़ा है आप शंभू ही गिना जांदा है
इत जी इस जगह की इतनी महत्व है कि ये जो तला है ये जो तला चरम रोग है जरा जितना भी वो मतलब होंदा कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं आती कोई दाग नहीं कोई कुछ नहीं लेकिन बदकिस्मत यह है कि गौरमेंट ये बार बार गलाने के बावजूद भी ये तला की जी है मेंटेनेंस नहीं हो सकी है जिदी के इतें ही साड़ा जरा सारे अस इस गला इस तला चा पानी पीते इस तला चा वो करते हे इसकी महत्वता इस जगह की ता है कि ये पुराने कोई ऋषि मुनि होंगे हे उन्हें ये पंज दरख्त जड़े न ये पैदा किए ने उनकी स्थापना की इसी पंचवटी आख्या जाता और पंचवटी के बिच जिहड़ा मंदिर या जो भी स्थान है उसकी महत्वता जिहड़ी है उस साढ़े शास्त्र के मुताबिक सारा ज़्यादा बड़ी मनी जाती है और इतों की आस्था जिहड़ी है बड़े पुराने पुराने लोगों के जितने भी कोई मतलब अपनी मनोकामना है वह सारिया होंगे ने जिहड़ा कि 11-11 साल के बाद भी कुछ के घर जिहड़ी संतान नहीं होंदी वह भी इत्थे आइए मत्था अगर टेकते हैं रगड़ते हैं तो वह मतलब होंगे न तो बाकी इत्थे पंडित होंगे न 24 घंटे होंगे न ये मंदिर की जी आस्था है लोगों का आना जाना जोड़ा है वह काफ़ी लगता है। शिव का मंदिर शिवरात्रि वाला महीना इस महीने शिवरात्रि होंगी है और खास करिए भोले बाबा कन्ने अगर गल की जा तो साड़ी डोगरे की रिश्तेदारी भी है वो रिश्तेदारी इं है कि साढ़े मानतलाई के राजा हिमाचल का महल उसकी सपुत्री कन्ने अगर प्रणय सूत्र च बंदे तो साढ़े रिश्तेदारी भी हुई उस हिसाब से तुम की आखना चाहते कि बाबा भोले की असीम कृपा साढ़े डोगरों पर बनी चाहिए। बिल्कुल बनी महाराज असें तो सीधा सीधा चमत्कार मिले क्योंकि इस ग्रां दे विच ये जिहड़ा कम्यूनिटी हाल है जां जिहड़ियां स्कीमां रखोईआं ने असीं सिर्फ असें गलाया कि भोले बाबा तुसें दिखना है तुसें इस इलाके ही वो करना है एक छोटा जिहा पिंड है जिथे कि 10 घर बनी है हुण तो ठीक है आबादी पैसे वो मतलब इंदी ही कमकार और हर साल इत्थे जिहड़ा है वो मतलब जगराता भी हुंदा है।
नी ननाने बेईमाने मारे लख लख ताने छोटे वीर नाल लुप छुपी पाई हुई है अज तू मैनू मार दवाई हुई है। दोस्तों ननान ते भरजाई का किन्ना गूढ़ा रिश्ता है। अज वीर कने लुपी छुपी लगी है पर बारी कोदी आई है भाभी दी आई है। एक भाभी कोल बैठी दी है ते ननाना भी कन्ने गन ते उंदे कन्ने गल कत करने उंदे मना दी गल भी तुहाडे तक पहुंचाने दा प्रयास करने। की नाम जी तुहाडा? मेरा नाम वीना देवी है। वीना जी ननाना ते आखदे कंधा लिखिया मारनी हुंदिया भावे कुआरियां होण ते भावे होण बोए दियां टीका लाई उड़दियां पर टीका वीर की लांदियां ना रिश्ता उका तड़ांदियां ना भाभी नाल नहीं काम वास्ते नहीं करते हैं। मैं ताइयों तो भरजाइया भी कोल बिठाई अपनी ननान भी कोल बिठाई पुछी लो दोनों पास पुछी लो मैं तड़ाने वाले च नहीं मैं जोड़ने वाले च नहीं मैं तो चाहना कि जुड़े दा रवे। हाँ जी हाँ पर एक गीत बनना थोड़ी गीत दा गीत भी तां बनता जे इत्थे कुदै गल होए तां ना। हाँ वो तो भी भरजाइया कुछ पुछना ना मेरी वो तो सही गल है कि चीज़ बनता रिश्ता तो बनता है मगर ये चीज़ तुम मेरे भरजाइयों को पुछना मेरी ननान को पुछनी है। एक गल मैं तुहाडे पुछना चाहना कि पुराना वेला हा बच्चे की ढाई महीने छुट्टियां पाने ननान प्योके आउंदी ही रौणे की बच्चे लई नहीं वीर जी टाइम नहीं गए हुण अजकल दो दिन जाओ ना एक भरजाई का एक पनीर चढ़ी जाता दूई दे पहले चढ़ी जाता त्रीए दे पहले चढ़ी जाता सारियां ड्यूटियां नवांदियां ते पता सोचदियां वी हुण निकलिया ननान ते चंगा है वड्डी गल है। हां नहीं वीर जी ये है थोड़ा ये है उत्थे दा गल ड्यूटी जिहड़ी है प्रिपेंड नवाई ओड़ी है उत्थे दा गल चलदी जे कुछ दियां पंज हो गईयां ओह भी होई ड्यूटी नवा गल उत्थे चलदी भई जिहड़े ननान जिहदे च अस भी ननान ही आए हां कुछ बिल्कुल। एक गल मैं पुछना चाहना फिर ननान कोला भाभी तां दुखी हुंदी जिहड़े बच्चे आए दे हुंदे अजर ले बच्चे खास करिए पुराना वेला चेता किया जा पुराने वेले दे विच भाबियां जिहड़ियां ननाने की अपनी अखियां उपर पर्दे रखदियां खराब होंगे जल्द बेटी होंगी पिछे सताई जाती ही पेके बेचारी दौड़ती ही जल्द पेके आती ही तो थोड़ी भरजाई का दिखिए बेहे भरा बेचारे भरजाइया के मुखे दिखते उन्हें भी अपना घर का पहला मोड़ जरा पहला फर्स्ट अपना घर है दिखदियां हाँ तो वो बेचारियां जिसल पिछे मुड़दियां फिर वो लास्ट अपने आप की अदा कर लेंदियां नहीं वीर जी थोड़ा माहौल जरा ना अपने घर थोड़े बंदे का भी डर होंदा जरा माहौल चलता नहीं अपने बंदे पर चलता मैं छे फिर अपने बंदे देंगे इस गल का यह श्रेय जरा अपने आदमी पर जाता है अगर नहीं डरा आदमी अगर सोच गलम तो मेरी जनानी है मेरी भैन आई है मेरा रिश्ता सब तो बड़ा है ये तू करनी है तो भी जनानी जी डरती होग ना वो अपनी ननान की करग करग पाव त्रिउड़ी पाग पर पहले बंदे की दर्द पिछे हट बिल्कुल दोस्तों सच गला कर देना अज जमाने की जी गल जिना जमाने की गल अस करने पर अस नहीं चाहते कुसा घर ऐसी गल हो पर जमाने च होंगे ना उन्हें गलें की अस तुहाडे तक पहुंचाने का प्रयास करने पर सच गला कर देना अगर घर का बंदा जरा है वह रिश्ते हर एक की सामभी चलग तो सारे रिश्ते बनोए रहा घर जरा बजदा रहा है यह संस्कृति साझा हुआ करिए। दोस्तों हूँ एक और सोहना जहा गीत सुनया भी कुसा का और मंट टुली उनके मन की गल भी तुहाडे तक पहुंचाने का प्रयास करना है। लाल दाना टमाटर दा की तेरा नाँ शुरू आ की नंबर है क्वाटर दा। दोस्तों इस साड़ा डोगरी संस्कृति कने लवा लव ये जड़ा गीत सुना करदे
इस गीत राय नार ते कंध दे आपो विच गल्लां हुंदियां एक दूए दे क्वार्टर दा नंबर भी पता लगींदा। अजकल गीत गाई है नंबर तोपने दी जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया ते पेदी है ना बैठी दी पई, खाली नंबर टैलीफोन दा पता लगना चाहिए दा। ते बाकी गल अग्गे वधी हुंदी है, इक नार बैठी दी उंदे कन्ने गल्लबात करने, उंदे मन दी गल भी तुहाडे तक पहुंचाउण दा प्रयास करने आ। की नाम जी तुहाडा? मेरा नाम राधा शर्मा। राधा जी कढ़ाई और कुत्थे ने? ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਲੈਲ 'ਚ ਜੱਗ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਟਮਾਟਰਾਂ ਕੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪਣੇ ਚੜ੍ਹ। ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਾਬੂਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਰੋਕਣਾ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਖਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਕੁਆਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਲੇ ਬੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਛੜਾ ਲਾੜੀ ਦੇ ਵਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਖੁਆਨ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਂ ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਈ ਲੋਕ ਨੋਟੇ ਸਾਂਭੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿੰਦਾ ਨੋਟ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਬਣੀ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਆਖਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਛੋਟੇ ਜੇ ਕੁਲਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗਰ ਪਾਲਣਾ ਵਿਧੀ ਬਣਨ ਲਾਣਾ ਘੋੜੀ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਆਖਦੇ ਫਰਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਜਿੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਉਸ ਲਾੜੀ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਗਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਪੁੱਤਰੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾੜੀ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਸੰਗੀ ਨਿਉ ਦਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾੜੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆ ਲਾੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਆਣਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਪਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਪਰ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਤਲੀ ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਟੀਐਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਲਾੜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਕੱਲ ਕੁਛ ਪੁੱਤਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਲੀ ਉੱਪਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾੜੀ ਪਾਸੇ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਦੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਪਤੀ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਮਤਲਬ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਏਟੀਐਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਰੁੱਸੀ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੰਨ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ। ਮਤੀ ਸਾਰੀ ਰੁੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੋਲ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਪਤੀ ਭਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪਾਲੀਏ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਲੇ ਭੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਖੀ ਉਂਗਲੀ ਲਾਈਏ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੱਖੀ ਜਿਲੇ ਬਾਲਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੀਨਸ ਮਾਂ ਕੀ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਆਣ ਕੰਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਣ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਠੋਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਵਾਣੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ رائے ਕੀ ਹੋ ਜਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਰਸਤਾ ਤੇ ਚਲਾ ਕਰਦਾ, ਠੋਲੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਸੇ ਕਰਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਤਾਂ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖਦੇ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਓਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸੱਸ ਦੀ ਘਰਾਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਸਰੀਆਂ ਮਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਪਰ ਮੱਥੇ ਪਰ ਤ੍ਰਿਵੜੀ ਚਾੜਦੀਆਂ। ਜੀਵ ਅਗਰ ਦੰਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਰਸਤਾ ਸਾਂਝਾ ਵਾ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਮੱਛੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਰਾ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸੂਟੂ ਬਾਟੂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਔਕਾ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭੀ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਕੁਸਾ ਹੁਣ ਮਨ ਟਟੁਲੀਏ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। Yeah.
दलसी पैर पाया लाड़े दिए माए। दोस्तों सचमुच ये उस वेले का गीत है जिल्ले बरात घर आती है नूं लईए ते भी तैयारी करती है माँ सस जिहड़ी दलसी पैर पाई है, पर दलसी पैर उल्लै पाउंदी जे नूंहां राज पर रखन। अजकल वालियां वो कम्मां च पैर पाइए तो आपू डुआरी मारिए नौकरियां जांदियां ने। एक बुजुर्ग माता बैठी दी है उंदे कन्नै गलबात करने ते जाने उंदे मन दी गल। माँ क्या नाम है तुहाडा? मेरा नाम शांति। माँ नाम बड़ा सोहना, घर च शांति करवाउणी? शांति है, नूहे पर है आशीर्वाद वाला हाथ भरोचा रवे ते घर च शांति रहिंदी। वो पुराना वेला वा जिल्लै नूह घर आउणी ते एक गीत गाउंदा हा दलसी पैर पाया, पर दलसी पैर तां पाउंदा हा पे जे सुखे रखदियां हां लाड़ियां। अजकल लाड़ियां कम्मै पार पैंदियां ते बाकी कम्म धंधा सस्सरियां कोल छड्डदियां। नहीं मेरियां नहीं, मेरियां बड़ियां सुखी रखदियां। मैं तुहाड़ी गल नहीं करां, जमाने दी जमाने च ऐसा हुंदा नहीं, साढ़े तो इलाके होंदा नहीं है। कहीं जे असीं पिंडें च रहिंदे आं, असीं अच्छियां 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 किन्ने चिर तक कदे जिन्ने चिर तत्तड़ी जीव सस्सरी दी जीव अंदर दे थल्ले रवे ओह तां है। ते जे कुतै गोता खाइया ते? ना ना कदी नहीं हुंदी। जे खाइया गोता ते पी के बणदा? कदी नहीं हुंदा, अपने पर डिपेंड है, अपना अपना आप ठीक है ते अग्गे बच्चे ठीक है। पर एक गल मैं देखिया मती सारियां सस्सरियां जिहड़ियां जिल्ले बुलाउंदा नहीं ते कजीचियां बट्टी बट्टी अपने दंद वी कसाई सुट्टदियां। असीं डोगरे लोक आ, असीं अच्छा बोलने, अगर लाड़ियां भी अच्छा बोलते अच्छा बोलदियां। पर जिन्हें दंद कसाए उंदे बारे च क्या आखना चाहुंदे हो? उंदे बारे च क्या आखना, असें नहीं दिखिया, नहीं अग्गे है ते नहीं पिछे है। दोस्तों ये छंद सुनने वाला जिहड़ा गीत सुना करते हैं सानू चेता आई अज बाबा बोले की वारी लगी दी है, क्योंकि ये जिहड़ा महीना चला दा एक केड़ा महाशिवरात्रि वाला महीना। महाशिवरात्रि दे विच बोले बाबा की साढ़े डोगरे की छंद सुनाने वास्ते आखदे, क्योंकि गौरां जिहड़ी साढ़े डोगरें दी ध्यान है ते उस चाली बोले बाबा साढ़े जीजे भी लगते हैं, क्योंकि साढ़ी उधमपुर जिले की मानतलाई तहसील दे विच मानतलाई महल दे विच राजा हिमाचल का महल हा और उत्थों की बेटी जी साड़ी डोगरें की ध्यान ही। अज डोगरें की ध्यान जिहड़ा बाबा भोले कन्ने प्रण सूत्र च बनती तो फर्ज तो बनता भाई साढ़ा डोगरें का छटनी तेना संत सुना साढ़े कन्नै नारा खड़ोती जी संत सुना करती उन्हें गलत करने के ना जी थोड़ा भावना शर्मा। भावना जी जी गल चला दी भोले बाबा कन्नै चला जीजे तो संत सुनाते हैं जीजा नठी है, पर बाला बाबा भोले जड़े ने उन्हें नठने वाले साढ़े कन्नै रिश्तेदारी जुड़ी है, क्योंकि साढ़े डोगरें के जीजा भी लगते हैं। की आखना चाहते भाई भगवान ही भी नहीं बख्शते जल्द सालियां मछलियां? नहीं वो तो फिर नहीं बख्शना पौंदा, क्योंकि जीजा जी लगते नहीं। जीजा जी लगते एक गल जीजे का टाइम अज मिगी देखना अज बदला करता, अज जीजे दे विच मता सारा जहर भरोचे दा वह प्रेम नहीं रहता। जिहड़ा पुरानियां शालियां हा जिहड़ा जीजा पहली बार कुतै ग्रां घर आंदा फेरा पांदा ते खट स्पैशल बनाई हुंदी ही। नहीं सारे इत्थे दा कल्चर च ते अजे भी जीजा बड़े उन्हें असीं रिस्पैक्ट दिंदे, वो प्यार ही अजे तक। पहले जीजे जिहड़े ने उन्हें घ्यूर खिलाइए ते खुश कीता जांदा हा, अजकल ते जीजे खांदे ने पीजे? नहीं अजकल भी जीजे घ्यूर खिलाइए खुश कीता जांदा। खुश कीता जांदा हां सारे डोए थे जम्मू। बिल्कुल एक और मेरे ख्याल च साली खड़ते के नाम साले आ के नाम जी तोड़ा सुषमा देवी। सुषमा जी अज जिहड़ा अस देखा करने भाई मजाक जिहड़ा लोग चला दे नहीं जहर आइए दा अज जीजे मजाक कीता जा, मेरे ख्याल च जीजा टिंड फुट चुकी नठी हुंदा? नहीं ऐसा नहीं हो सर। पर तुहाडे इलाके च अजे है? साडे इलाके च है। तुस क्या आखना चाहते कि मजाक जिहड़ा जिहड़ा पहले चलता है उगले चलना चाहिए जां लुप्त होना चाहिए? नहीं मजाक तो होना चाहिए, जिंदगी च मजाक नहीं होया तो जिंदगी की चीज़ है? बिल्कुल ठीक है, मजाक के बिना जिंदगी कुछ नहीं है। पर अजकल के अस दिखा करने कोई जहर आईदा? नहीं नहीं आज भी वैसा ही है सिस्टम अजकल, पर ग्रां च होना शहर च तो मेरे ख्याल लुप्त हो जाएगा कोई पता नहीं, पर साढ़े ग्रां च है। एक चीज और पुराना जी धाम धुन ही अज भी फर्क पई तो उस हिसाब कने अजकल जीजे का प्यार भी जो बदली है वो पुराने जिहड़े चाप होंदी ही वो ले पकवान नहीं पकते अजकल बिस्कलां ते पता नहीं के नूडल्स आई नहीं
प्रयास करने दोस्तों मानपुर तहसील का एक बड़ा प्रमुख ग्रां है पलैल जिदी संस्कृति अज तुहाडे कन्ने अस सांझा करा करदे आं। इत्थों दे माणू खड़ोते ने इंदे कन्ने गलकत करने ते जाणे इंदे थमां इस ग्रां दी संस्कृति इहदे इतिहास दे बारे च। की नां जी तुहाडा? चरणदास जी। चरणदास जी किन्ना पुराना ग्रां है और खास करी इस ग्रां दी की इतिहास है? इस ग्रां दी इह इतिहास है कि पुराना जिहड़ा है जितने भी फंक्शन वगैरह ब्याह कारज जिन्ने भी हुंदे रली मिली लोग जिहड़े ने आपस च रहिंदे और पूरे धर्म कन्ने कोई भी कुसे दा हुंदा दुख सुख च हर दुख सुख च शामिल हुंदे लोग सारे जितने भी जी। एक गल जी हुण तुसीं आखिया भई कोई ब्याह कारज हुंदा सारे किट्ठे बहिए करदे ब्याह कारज दा नां जिले लाओ ते चेता हुंदा ना ग्रां दीआं उत्तमां खास करी भी बहिए लोग रुट्टी खांदे डाणा दी रुट्टी हुंदी सी पर अजकल बड़ा फैशन आई दा अज तक ग्रां च भी पुज्जी आ ਭਈ ਲੋਕ ਬਹਿਰੇ ਹੀ ਆਖੀਏ ਤੇ ਆਪੂ ਬਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਆਪੂ ਟੰਗਦੇ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਿਠਾਲਦੇ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਪਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਪਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਬੈਸਕਾਂ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਪੱਤਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੌ ਨੌ ਦਸ ਦਸ ਡੂਨੇ ਲਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਅਤੇ ਧੋਤੀਆਂ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇਉੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀਰੇ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੁਪਏ ਇਤਨੇ ਖਰਚ ਦੇਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ ਉਗੜਾ। ਦੋਸਤੋ ਪਹਾੜੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹ ਫਲੈਲ ਗ੍ਰਾਂ ਬਿਲਾਵਰ ਔਰ ਬਸੋਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਇਹ ਬੱਸੇ ਦਾ ਮਾਨਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਖਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉੱਚ ਪਦ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗੱਲਕੱਤ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗੱਲਕੱਤ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਕੀ ਵਿਵਸਾਇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਲੈਲ ਦੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਬਨੋੜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਿਲਾਵਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ IAS IPS ਔਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕਿਆ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪਲੈਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ 24x7 ਲਈ ਆਏ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਬਨੋੜ ਪਲੈਲ ਡਾਂਬਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਲੈਲ ਦੇ ਬਨੋੜ ਦੇ ਅਤੇ ਡਾਂਬਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਛ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਮੇਜਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਲੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸੇ ਘੱਟ ਨਾ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾ ਬਾਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁਰਗਨ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗੱਲਕੱਥ ਕਰਨੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕੰਨੇ ਵਾਵਸਥਾਨ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਗਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹਨ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁਆਰੀਆ ਜੂਆ ਖੇਲਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੇ ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿਰਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾਏ ਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਅਗਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ।
दोस्तों ग्राएं दे विच जिले पुजो तो खास करे जिले डान चढ़ा दवे ते डान पर सगले दी दाल ते कड़ाटा जिहड़ा अंबला था उसी दिखिए मन ते सारे ना करदा कि डाणा दी ताम खादी जा, पर डाणा दी ताम खानी होए तो कुसे जगह च जाने पौंदा जां ग्रां च कोई ब्याह होए तो उत्थे जाइए ताम खाने की मिलदी है, क्योंकि ग्रां च जिहड़े खास करिए रसोईए जिहड़ी बोटी भी आखदे बड़ी रिझा कन्ने बड़े प्यार कन्ने इस खाने दे विच अपना स्वाद पाते हैं, और सगले दी दाल जिले खाओ तो मन करता पूरा डूंगा गा ढाली आओ, क्योंकि भुख भावें घट भी होए ज़्यादा खलोंदी तो ज़्यादा खाने के बाद जिले अंबला का एक डूना पीता जा तो सारी खाधे की पची जाती है। ये बड़ी अच्छी रुट्टी स्वादिष्ट रुट्टी होंगी है, अज यह स्वाद असं थोड़े कन्नै साझा कराने बनता बनता तो भी एक भंडारा है, तो भंडारे का स्वाद भी थोड़े तक पजाने का प्रयास करना। दोस्तों अज अस अपने आप ही बड़ा प्रभागी समझने कि ग्रां फलैल दे विच आए, और इत्थे आई है एक सनातनवी जिहड़ी कथा चला करदी है उस शिवपुराण की, क्योंकि इस शिवरात्रि वाला महीना है और इस महीने दे विच जिहड़ियां कथा होंदियां उहदे कन्ने साड़ा खास करिए कई जन्म जन्मांतर दे जिहड़े पाप वह मुक्त होंदे न। अज मौका मिलिया इस ग्रां दे विच साड़े जगत गुरु संत सुभाष शास्त्री जी अपने कर कमले कन्ने लोकें की जागरूक करा करदे इंदे कन्ने गल कथ करने आ, तो कुछ ज्ञान दी गल्लां तुहाडे तक भी पजाने दा प्रयास करने आ। सरप्रम गुरु जी मैं नमन करना। मंगलो मंगल गुरु जी, जिहड़े आपू गुरु उंदे कोला मैं सवाल नहीं पुछी सकना, पर तुहाडी आग्या कोला लईए मैं चंद शब्द पुछना चाहना। सनातन सब तो वड्डा सब तो पहला धर्म है, पर उह धर्म अज सुकड़दा जा करदा, उहदे विच मता सारा रोल साडे धर्म गुरुएं दा जिहड़े धर्म की कथा सुनांदे ने ब्यास गद्दी पर बेही है, पर बाद चो अपना एक अलग पंथ बनाई है लोकें ही उंदे कोला अलग राह पर चलांदे उहदे बारे च मैं तुहाडे कोला। सनातन धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं आपू परमात्मा ने, सनातन का अर्थ है जो सारे विच सने दा और तने दा है, सब दे विच जो सने दा और तने दा उसका नाम परमात्मा है। सनातन मैंने जो सब कोला पुराना है, तो परमात्मा कोला पुराना कोई भी नहीं है। और सनातन धर्म की मनने वाले की संख्या घटती है, सनातन धर्म नहीं घटता नहीं मिटता, इसी कोई मिटाई सकता गै नहीं है। एक दिन लिख आया कुदा हिंदी अखबार च लिखदा कि सनातन धर्म मिटी गया, मैं जो अखबार च लिखदा मैं जो सनातन नहीं मिटा हिरणाकश की हंकार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की उंकार से, जो सनातन नहीं मिटा औरंगजेब की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के अखबार से। जेड़ा आपू आखे मेरे कोला नाम दान लैओ जा कुसा कोला खुआ के गुरु धारण कर लो, ऐसे कोला कदे नाम दान नहीं लेना, कदे उसी गुरु धारण नहीं करना। जिसी असे गुरु धारण करना है किस दिन अस उनका सत्संग करचे है, अस उन्हें दिखचा ये खंदे के न पींदे के न इंदा चरित्र कैसा है, और सचमुच ये ज्ञानी है न, ये मिगी ज्ञान दे सकते न। जिल्ले पूरी श्रद्धा बने तो फिर आखो महाराज हुण मिगी भी नाम दान दियो, मेरे भी कृपा करो। तो जिस गुरु दे कोला संशय मोह दूर नहीं हुंदा, सानू परमात्मा कन्नै नहीं जोड़दा, ऐसे गुरु की छोड़ने कन्नै गै मेरा भला है। कोई निंदिया उंदिया के है इहदे च निंदिया दी जा पाप लगने वाली कोई गल नहीं है। असें जिस वास्ते गुरु बनाया हा, असें पढ़ाई करनी है जिस सब्जेक्ट की, तो असें उस अध्यापक कोल मास्टर जी कोल जाना है,
पर जो मैं पढ़ना चाहना जानना चाहना वो ओहदे कोल विद्या है गै नहीं तो उसी छोड़िए मैं इलाज कराना है जो मिगी रोग है वो डॉक्टर उसका स्पैशलिस्ट है गै नहीं है मैं गलत डॉक्टर को आया तो क्या डॉक्टर बदलना नहीं है इस वास्ते अस गुरु भी बदली करी सकने जे गुरु ओकड़ा कम्मा दा नहीं बिल्कुल सच गला कर दें दोस्तों ये धर्म गुरुएं का और खास करिए कथावाचक जेहड़े ब्यास गद्दी पर बैठे दिन वह लोगों की अगर धर्म का ज्ञान दिया कर दिन कन्ने कन्ने ये भी शिक्षा जरूर दिया कर दिन पर अज भेड़ चाल बनी है कुसा की अपनी जिंदगी नहीं सौंपनी चाहिए जेड़ा तुहानू तारनहार बनी है तुहानू धोखे च रखी है आपू गुरु घंटाल हो तो तुहाड़ियां भी घंटियां ठन ठन के बजनियां पार तो सुनी लगे हुण इस संस्कृति का एहसास तुहाडे कन्ने सांझा कीता दोस्तों हुण ग्रां दी ऑटो लैणे होर किश लभदा वह भी तुहाडे तक पहुँचाने का प्रयास करना है जेड़ा आई जंदा लैंदा नी जाने दा ना सुरगेश सोना लंको साडा करा सुरगेश सोना लंको साडा करा। दोस्तों ये दूर दराज का इलाका इतों दुड़िया छोटी छोटिया अपनी परंपरिक खेड खेडा कर गलत करने बचुके ना तेरा मेरा नाम है गीतांजलि शर्मा गीतांजलि जी पढ़ दिया हाँ हो केड़ी क्लास ट्वेल्थ ट्वेल्थ से केड़ी जगह जाने पौंदा पढ़ने महानपुर कितनी दूर है इत्थों दा डेढ़ घंटा है पैदल पैदल डेढ़ घंटा जाना पैदल जंदी है हाँ हो ओ मेरे रब्बा पैदल डेढ़ घंटा जाने पौंदा और माँ प्यो भेजदे ने एड्डी दूर आहो की चाहते हो तुस बड़े होइए की बनना चाहते हो मेरा एम है कि मैं आर्मी में जॉब करूं आर्मी च जॉब करने दी सोची दी है कैप्टन बनना या सिपाही जाना बीएसएफ में करनी है बीएसएफ च करनी है दोस्तों जज्बा साढ़े ग्रां के बच्चों तो असं देखिए मुड़े च खास करिए इन्हें कुड़ियों भी जज्बा लभा करता एक और कुड़ी है क्या नाम तेरा बच्चों रिंपी शर्मा रिंपी जी तुम भी पढ़ते हो केड़ी क्लास है नाइन क्लास में नौवीं क्लास में पढ़ती डोगरी नहीं बोला इतने भी हिंदी की आवाज चली दी अपनी भाषा की बोलना चाहिए या भुलना चाहिए नहीं नहीं बोलना चाहिए अपनी भाषा नहीं बोलनी चाहिए बोलनी चाहती बोलनी चाहिए है तो नौवीं पढ़ती हाँ एक दो तो आंदा होना अंग्रेजी का भूत सवार हो पर ग्राएं च भी सानू लगा था भाई इत्थे भूत जिहड़ा अंग्रेजी वाला सवार हो बच्चो तू तो हुण 11वीं 12वीं पढ़दे तुझे तो पता होना 59 ये सारे बच्चे 69 लाने क्योंकि 59 का नहीं पता नहीं एक दो गै नहीं आता बाकी सब कुछ आई जाता यह भी संस्कृति का हिस्सा ये थोड़े कन्नै साझा किया हूँ बच्चे आखते हैं भाई एक गीता के उपर नचना इंदा नाच भी थोड़े कन्नै साझा करने की कोशिश करना I'm not afraid of the dark.
ਬੁਆ ਭੱਜੀ ਬੱਤਰ ਜਾ ਬੁਆ ਭੱਜੀ ਬੱਤਰ ਜਾ ਭੱਜੀ ਬੱਤਰ ਜਾ ਤਾਂ ਬੁਆ ਭੱਜੀ ਬੱਤਰ ਜਾ ਖੁੰਬੇ ਜੰਮੀ ਪੇਲਾ ਕਾ ਖੁੰਬੇ ਜੰਮੀ ਪੇਲਾ ਕਾ ਜੰਮੀ ਪੇਲਾ ਕਾ ਤਾਂ ਖੁੰਬੇ ਜੰਮੀ ਪੇਲਾ ਕਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਕੇ ਪੁਟਾਰੀਐ ਪੁਟਾਰੀਐ ਉਹ ਲੋਕੋ ਪੀਓ ਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਾਰੀਐ ਲੋਕੋ ਪੀਓ ਨੀ दोस्तों साड़ी संस्कृति की लवा लवे करने वाले कलाकार ने बंसी लाल जी मानपुर आले जिड़े अपनी संस्कृति की चार चन्न ला करदे अज अस भुलदे जा करने अपने गीतड़ू की अपने भाखें की खास करिए अपने लोक गीतें की बंसी लाल जी किन्ना मुश्किल होंदा जिल्लै अपनी संस्कृति की सामने पौंदा सर ये बड़ा मुश्किल गै साढ़े बजुर्ग लोग जड़े हे उन्हें इस विरासत की जड़ा संभाला दा हा बड़ा एक तरीके कन्नै बन्नी अपने समाज की डोगरे समाज की रखे दा हा पर अज फैशन ने और साढ़े इस डोगरे समाज की नशे और फैशन ने नैश तैश करी दित्ता है ये बड़ा मुश्किल है अज साड़ी आने वाली जनरेशन की इसी संभालना दोस्तों इस ग्रां के छोटे छोटे नौनिहाल अपनी मातृ भाषा दे विच कुछ गुनगुना देन उनका गीत भी थोड़े कन्नै साझा करने का प्रयास करने के नाम बचो अमित शर्मा अमित जी सुनाओ गीत जरा गुनगुना दे इस पिंड लंबड़ने यारा सुनाओ ओ इस पिंड दा लंबड़ने यारा वकील नी है रहना नी ओ इस पिंड दा लंबड़ने यारा वकील नी है रहना नी ओ सोनी नाथ यो वकील नी दी जम्मू बनिए सोनी नाथ यो वकील नी दी जम्मू बनिए इत मोती चढ़ाई दे लंबड़दारा वकील नी है रहना नी ओ इत मोती चढ़ाई दे लंबड़दारा वकील नी है रहना नी ओ सोनी नाथ यो वकील नी दी चंबे बनिए सोनी नाथ वकील नी दी चंबे बनिए इत तिला लगाई दे लंबड़दारा वकील नी है रहना बड़ा खूब बहुत खूबसूरत दोस्तों ये छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल जिहड़े इस ग्रां दे न आ खास करिए उस वकीलनी दा नां लै करदे न जिहड़ी शहरा चली आई नत्थ चंबे बनी ते तिल्ला लवाई देना पर इस ग्रां दा लंबड़दार बड़ा सुनखड़ा है जिहदे कन्नै आखदे भाई इत्थों दी वकीली ने नहीं रौना बटने दा गम ना तू कर चंचलो चंबे चांदी बदेरी ओ जिंदे मेरी है सैले सैले रुख बूटे कुतै झुलन ठंडियां वावां शहरें बिच घुटन प्रदूषण दी ग्राएं वजन लहरां दोस्तों एक ग्रां जिहड़े ने खास करिए पहाड़ी संस्कृति कन्नै लवा लव इत्थों दी संस्कृति इत्थों दी आबो हवा दिखिए मन तो नहीं करता पर समय अथे मजबूर अज की कड़ी अज का अंक इत्थे गै संपन्न करने की अस तुहाड़े कोल आगे चाहने हाँ अगर तुस अपने ग्रां सिंह साधा देना चाहते हो तो कैंटी मारी सकदे साढ़े इन नंबरें पर इहदे कन्ने गै कैमरामैन कुलदीप राज ते मिगी प्रवीण शर्मा गी दिओ आ गया जय जम्मू जय डुग्गर जय भारत ठंडिया मिठिया वावा चुल्लिया अंबे ते बौने दी छां देवी दे दुआले होण चौंकिया घोड़िए सुहाग दा समां ठंडिया मिठिया वावा चुल्लिया अंबे ते बौने दी छां देवी दे दुआले चौंकिया थोड़ी सुहागे का समान सीधे साधे लोग गल कत करने का अपना मजा तुसी आओ साढ़े गां